पहले ये बताइए कि कौन रोकने का कोशिश किया है? मीडिया के लोग हैं आप, बात को छुपाइए मत। आपसे आग्रह है कि लोकतंत्र में, लोकतंत्र के ऊपर हमला हो रहा है, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। ये जिम्मेवारी सिर्फ बेगूसराय के लोगों की नहीं है, पूरे देश के लोगों की है। जिस बात को समझा जाए वो ये है कि ये गिरिराज सिंह के लोग हैं। अगर हमारा भरोसा नहीं है तो आप वीडियो देखिए, जो लोग रास्ता रोकने का प्रयास किए वही लोग भाजपा के नेताओं के साथ फोटो खिंचवाए हुए हैं। ये लोग सीधे सीधे गुंडागर्दी पे उतर गए हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि ये चुनाव ये हारने जा रहे हैं। बेगूसराय के लोगों ने इनको अस्वीकार कर दिया है, और जब ये गांव-गांव घूम रहे हैं इनको कोई समर्थन नहीं मिल रहा है, तब ये अपना मुंह छुपाने के लिए बेगूसराय जिला में चुनाव का माहौल खराब करना चाहते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों को अपील करना चाहते हैं कि इस कठिन दौर में हम सब लोगों को एकजुट रहने की ज़रूरत है। कोई हमारे लोकतंत्र की परंपरा को बिगाड़ नहीं सकता है। हम लोकतंत्र के साथ मजबूती से खड़ा होंगे, और उस साजिश को हम जानते हैं। पहले जानबूझ करके हमारी सुरक्षा वापस ली गई, और अब जब चुनाव अपने रंग पे चढ़ा है, सभी प्रत्याशी मैदान में आ गए हैं, तो तरह तरह से परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम परेशान नहीं हो रहे हैं। इस लड़ाई को हम मजबूती से लड़ेंगे, बेगूसराय जीतेगा और लोकतंत्र को हराने वाले लोग हारेंगे, ये हमारा भरोसा है। ये सबसे पहली बात तो ये है कि वो लोग जो अंग्रेजों के लिए मुखबिरी का काम करते थे, जिनका इतिहास इस देश में अंग्रेजों से माफ़ी मांगने का इतिहास है, जिन्होंने गोडसे को अपना आदर्श माना है, जो गोडसे की मंदिर बनाते हैं, जिन्होंने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की, जिनको इस देश के लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, जिन्होंने संविधान जलाया, जिन्होंने इस देश के तिरंगे को जलाया, आज वो गद्दी पर बैठ करके हम लोगों को देशभक्ति का ज्ञान ना दे तो अच्छा रहेगा। यही बात ढकोसले की, प्रधानमंत्री अपने आप में ढकोसला हो चुके हैं। ये सारे शब्द ढकोसला, झूठ, ये सारे शब्द प्रधानमंत्री के सामने छोटे दिखाई देते हैं। अगर आप किसी को झूठा कहना चाहते हो तो आप उसको कह दीजिए कि आप नरेंद्र मोदी हैं। मोदी जी से कोई बकवास करना सीखे तो सबसे उपयुक्त आदमी है। एक बात मुझे बताइए, वो इस देश की जनता को क्या समझते हैं? लोगों ने उनको वोट दिया था अच्छे दिन के लिए, 5 साल वो नेहरू की कहानी सुनाते रहे, तो अगली बार लोग उनको क्यों वोट दें? नेहरू जी की कहानी अगर जानना होगा तो इतिहास की किताब पढ़ लेंगे, प्रधानमंत्री क्यों चुनेंगे नेहरू का कहानी सुनाने के लिए? देश के नौजवानों ने साफ कर दिया है कि जुमला नहीं अधिकार चाहिए, और इस अधिकार के लिए नफरत के खिलाफ जो हमारा संविधान है, उसके जो मूल्य हैं, उसको लेकर के लोगों ने कमर कस लिया है। आने वाले वक्त में एक तरफ मोदी जी का झूठ है, दूसरी तरफ जनता का सच है। ये लड़ाई मोदी वर्सेज वी द पीपल ऑफ इंडिया की लड़ाई है, और वी द पीपल ऑफ इंडिया जीतेगा, मोदी जी का झूठ हारेगा, ये हमको पूरा भरोसा है। आज जो लोहियानगर जिस तरह से आपका विरोध किया गया, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया? नहीं नहीं, जिस तरह से विरोध नहीं किया गया, देखिए आप सवाल को छुपाइए मत। ये कहिए कि गिरिराज जी के गुंडों ने जो आपका रास्ता रोकने का प्रयास किया, ये काटिएगा नहीं ना, दिखाइएगा। गिरिराज जी के गुंडों ने जो आपका रास्ता रोकने का प्रयास किया, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? तो इस संबंध में हम ये कहना चाहते हैं कि पहले आने के लिए तैयार नहीं थे, आए तो जनता के रेस्पॉन्स से बौखला गए हैं। लेकिन उनको ये समझ लेना चाहिए कि उनके जो मालिक हैं नरेंद्र मोदी जी, जिनका वो माला जपते हैं, जब हम उन्हीं से नहीं डरते हैं तो उनकी गीदड़ भभकी से भी डरने वाले। ये मेरे लिए व्यक्तिगत चिंता का सवाल नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए चिंता का सवाल है कि एक प्रत्याशी को, संभावित प्रत्याशी को चुनाव प्रचार से यदि रोकने का प्रयास किया जाता है, चुनाव आयोग को इस पर संगीन तरीके से सोचना चाहिए, गंभीरता से सोचना चाहिए कि ऐसी क्या बात है कि इनके सहयोगी शिवसेना के नेता नितिन राउत कहते हैं कि ईवीएम भी संजय राउत, नाम भी नहीं याद रहता है ना ऐसे लोगों की, यही तो बात संजय राउत कहते हैं कि ईवीएम भी हैक करना पड़े तो करो, लेकिन इसको हराओ। ईवीएम आप जोर लगा लीजिए,
एटीएम का जोर लगा लीजिए, लेकिन जब जनता का जोर होता है तो ईवीएम और एटीएम का जोर काम नहीं करता। और इनकी गुंडागर्दी से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जानते हैं कि ये साजिश ये करने वाले थे, ये साजिश करेंगे। पहले हमारी सुरक्षा हटाई गई और आज जो है हमारा रास्ता रोकने का प्रयास किया गया। इससे बेगूसराय के लोगों में और गुस्से का उबाल होगा। दो चार लोग मंत्री जी का इज्जत रख करके अब आ भी जाते थे उनके काफिले के आसपास, अब लोग और उनके पास नहीं आने वाले हैं, क्योंकि बेगूसराय के लोगों को अपनी मिट्टी पे भरोसा है। एक बार उन्होंने बेगूसराय की मिट्टी को बदनाम करने का काम किया तो बेगूसराय ने साफ साफ संदेशा दिया, और उसी का नतीजा है कि मंत्री जी को यहाँ आने से डर लग रहा था। अब मंत्री जी आए हैं, फिर से जो है अपनी पुरानी आदत से बाज आने वाले हैं नहीं, गुंडों को हमारे पीछे लगा दिए हैं। तो उनको हम कह देना चाहते हैं, हम अतिथि देवो भव की परंपरा में विश्वास करते हैं, आपको हम कुछ नहीं कहेंगे, आपको जनता जवाब देने को मिलने वाला है।